हेलो, दिस इज़ बिनराना। आज मैं आपको बताऊंगा कि सी एस एस क्या है। तो ये आपको सीखना नहीं है सी एस एस, बस आपको सी एस एस की नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? तो पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल बताऊंगा, फिर मैं आपको उसको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करती है। क्लियर? तो सी एस एस क्या करता है? सी एस एस बताता है कि एच टी एम एल एलिमेंट को कैसे शो किया जाना है। ठीक है? तो जैसे आपके जो वेबसाइट है, वेबसाइट का पेज है, वो उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? वाइट है या येलो रखना है या ग्रीन रखना है? हेडिंग रेड रखनी है या किस टाइप की हेडिंग रखनी है? पैराग्राफ का साइज़ क्या होगा? फ़ॉन्ट का क्या साइज़ क्या होगा? जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे मेरी साइट है। क्लियर? तो जैसे मैं इस बटन पे माउस होवर करके ले जा रहा हूँ ना, तो ये चेंज हो रहा है कलर। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये सब सी एस एस से हो रहा है। जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड मैंने कुछ और रखा हुआ है, टेस्टिमोनियल पार्ट का, और अबाउट मी सेक्शन का मैंने बैकग्राउंड पार्ट रखा हुआ। तो ये सब जो हम करते हैं, ये सब सी एस एस के थ्रू होता है। ठीक है? तो सी एस एस तीन टाइप की होती है। एक इनलाइन सी एस एस होती है, एक एक्सटर्नल होती है, और एक इंटरनल होती है। क्लियर? तो इनलाइन सी एस एस क्या करती है? इनलाइन सी एस एस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे ये एच टी एम एल ऐसे ही होगा, होता है कोड आपका एच टी एम एल। ठीक है? मुझे जैसे बॉडी का जो बैकग्राउंड है मुझे ब्लैक रखना है। क्लियर? और जो हेडिंग है उसका कलर मुझे रेड रखना है, और जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज में 20 पिक्सल रखना है। ठीक है? तो इस तरह से हमें सी एस एस लिखनी पड़ती है इनलाइन सी एस एस में। ठीक है? क्लियर? इंटरनल सी एस एस में क्या होता है कि ये काम जो आपने हर हर एच टी एम एल एलिमेंट में किया है, वो आपको एक स्टाइल टैग के अंदर करना है। हेड सेक्शन के अंदर आप एक स्टाइल टैग यूज करेंगे, उसके अंदर आप लिख दोगे। जैसे बॉडी के लिए यूज करना है तो यहाँ हेडिंग लिख दिया, बॉडी लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया। क्लियर? तो इंटरनल सी एस एस में हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर हर एलिमेंट पे जाके हम ये लिखेंगे। हम सिर्फ हमने क्या किया, हेड सेक्शन के अंदर लिख दिया। तो इंटरनल सी एस एस हम ऐसे डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल सी एस एस में क्या होता है, यही सारा काम हम क्या करते हैं कि स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है? उसके अंदर हम ये सारी चीज़ डिफाइन कर देते हैं, और इसे अपने पेज में हम कॉल कैसे कराएंगे? तो एक लिंक टैग होता है जो हमें हेड सेक्शन में डिफाइन करना होता है। लिंक आर ई एल इजकल टू स्टाइल सीट एच आर ई एफ में स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है? तो इसको हम एक्सटर्नल सी एस एस कहते हैं, और एक्सटर्नल सी एस एस ऐसे डिफाइन होती है। और एस ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नल सी एस एस सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि स्पेस कम लेती है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल में बताऊँ, जैसे इनलाइन सी एस एस में क्या होगा, जैसे मेरे 25 या 30 पेज की वेबसाइट है, तो मुझे हर पेज पे हर एलिमेंट के लिए इस टाइप से डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा स्पेस लेगी और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ऐसे इंटरनल सी एस जो इंटरनल सी एस एस है, उसके अंदर भी मुझे हर हेड सेक्शन के अंदर जाके ये डिफाइन करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। और ऐसे जैसे मेरे एलिमेंट बढ़ते जाएंगे तो मुझे यहाँ सी एस एस बढ़ती जाएगी। सेम केस में इनलाइन में भी ऐसे ही है। ठीक है ना? तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे और इनमें टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक्सटर्नल सी एस एस यूज करो। क्लियर? मैं आपको दिखाता हूँ कि बिना सी एस एस के साइट कैसे दिखती है। जैसे मेरी वेबसाइट है। क्लियर? अब मैं यदि इसकी सी एस एस हाइड कर देता हूँ तो कैसी दिखेगी? मैं इसके सी एस एस हाइड कर देता हूँ तो इस तरह से दिखेगी। कोई मतलब इसका जो लुक्स था वो सारा खराब हो गया। और यदि मैं इनेबल कर देता हूँ स्टाइल, तो इस तरह से दिखेगी। क्लियर? समझ में आ रहा है ना क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे? जैसे अमेजन है। क्लियर? अब मैं यदि इसकी सी एस एस हाइड कर देता हूँ तो ये कैसी दिखेगी? नहीं, वो ऐसे दिखेगी। कहीं भी जा रहा है, कोई सिस्टमेटिक नहीं, सारा लुक्स खराब हो गया ना पूरी वेबसाइट का। यदि मैं इसको इनेबल कर देता हूँ तो ऐसे दिखेगी। क्लियर? समझ में आ रहा है ना सी एस एस से कहते हैं? क्लियर?